बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है कायरल मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको पता ही है ये कायरल कंपाउंड है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ये सेंट्रल कार्बन कायरल कार्बन है, इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं और ये एक्चुअली स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन में होता है। तो इसको टू डायमेंशनल बोर्ड पे या पेपर पे हम कैसे ड्रॉ करें कि हमें पता चल जाए कौन सी उसकी अरेंजमेंट है, उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, उसकी कन्फिगुरेशन क्या है, कौन सा बॉन्ड प्लेन पे है, कौन सा बॉन्ड इनवर्ड है, कौन सा बॉन्ड आउटवर्ड है। इसको हम मुख्तलिफ प्रोजेक्शन यूज करते हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेज डैश स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसको मैंने पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो वेज डैश स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बेटा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को जो है इस तरह ऑब्जर्व करें जैसे कि आपके सामने ये बना हुआ है, तो ये जो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है इसको आप समझ लें बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो है रेड होल है ये हाइड्रोजन है, और ये जो ब्लू पीछे की तरफ है ये समझ लें OH ग्रुप है। तो इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बेटा आप करीब से देखें, अगर आप तो आप देखेंगे कि आपसे करीब आपकी तरफ कौन सा बॉन्ड है, ये देखें ये रेड वाला है जिसको मैंने हाइड्रोजन कहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे ये आपकी तरफ है, इसको बोलेंगे आउटवर्ड। ये सेंटर प्लेन है येलो और ये ब्लू, येलो क्या है आपके सामने मिथाइल और ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये सेंट्रल पोर्शन है, ये प्लेन है, प्लेन है, इस प्लेन से बाहर की तरफ है ये रेड जिसको हाइड्रोजन का है, और ये जो ग्रीन है इस प्लेन से अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है, यानी कि ये अगर सेंट्रल पॉइंट, इसको आप ऐसे देखें, ये मैंने कहा सेंटर है तो ये आगे बाहर की तरफ है और ये उसके पीछे की तरफ है। अब दोबारा देखें इसको कि ये एक प्लेन है जिसको हमने सॉलिड लाइन से शो किया है, वो बॉन्ड जो प्लेन पे होंगे उनको सॉलिड लाइन से शो करेंगे, और जो आउटवर्ड होंगे बाहर की तरफ होंगे उसको वेज लाइन से शो करेंगे, और जो इनवर्ड होंगे ये जो ग्रीन पीछे की तरफ है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये आपको पहले भी अंदाजा है इसका कि जो डॉटेड लाइन होता है ये अंदर की तरफ और वेज बाहर की तरफ, और सॉलिड लाइन का मतलब जो है ये ऑन द प्लेन बॉन्ड होगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास तीन किस्म के बॉन्ड्स हैं, ये हमारे पास प्लेन पे हैं, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड। तो जो भी डॉटेड लाइन से स्ट्रक्चर शो किया जाएगा वो इनवर्ड होगा, जो वेज लाइन से वो आउटवर्ड बॉन्ड की नुमाइंदगी करेगा, और जो सॉलिड लाइन वाले हैं वो प्लेन पे हैं। और अगर ये स्ट्रक्चर कायरल मॉलिक्यूल तो है और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, और ये अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको डेस्ट्रो कहेंगे। तो इसका ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है जो कि ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, ये पहले बता चुका हूं मैं। तो ये क्या होगा, लीवर रोटेटरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये लीवर रोटेटरी है तो ये डेस्ट्रो रोटेटरी होगा, ये डेस्ट्रो भी हो सकता है लीवर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा स्ट्रक्चर डेस्ट्रो है कौन सा मॉलिक्यूल लीवर है, ये हमेशा हम एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा सकते हैं। फिर एक और स्ट्रक्चर ये, अब ये हाइड्रोजन डॉटेड लाइन से है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ होगा। फिर वही बात कि आप समझ लें कि डॉटेड लाइन में ये ग्रीन बॉल है पीछे की तरफ है, और ये ब्रोमीन आगे की तरफ है रेड है, और ये येलो और ब्लू ये आयोडीन और क्लोरीन ये एक ही प्लेन पे है, बोर्ड के ऊपर है, ऑन द बोर्ड है, ऑन द पेपर है, इनको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वही बात, अगर ये डेस्ट्रो है तो ये लीवो होगा, अगर ये लीवो है तो ये डेस्ट्रो होगा, हम अपने पास से कुछ नहीं कह सकते, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और ये दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होंगे। अगर इसकी 50% अमाउंट हो और इसकी भी 50% अमाउंट हो तो 50% उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है ये रेसिमेट बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर पेयर ऑफ एनेंशियोमर ऐसा है कि उसमें 50% डेक्स्ट्रो है और 50% जो है वो लीवर रोटेटरी है कंपाउंड है, तो वो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा, ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं जो है रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट। अब एक तो जो है वो वेज डैश स्ट्रक्चर ये था, एक वेज डैश स्ट्रक्चर बेटा ये है, इस स्ट्रक्चर को आप पहले हमने ऑब्जर्व किया था एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ दो सेंटर में, अब हम बात करेंगे दो बॉन्ड बाहर की तरफ है दो आपसे पीछे की तरफ, इसको ऐसे समझे आप वहां से व्यू कर रहे हैं, तो ये जो रेड और ब्लू अब आपके करीब है, पहले था ये ऐसे आपके करीब रेड था, ये दोनों सेंटर में थे, ग्रीन आपसे दूर था, अब आप देखें तो ये स्ट्रक्चर के आपकी तरफ अब दो हैं, कौन कौन सा, रेड और
ब्लू, ये दोनों आपकी तरफ है, आउटवर्ड है, तो दोनों आपकी तरफ है, उन दोनों को वेज लाइन से शो करेंगे क्योंकि दोनों का आपसे इक्वल डिस्टेंस है, देख सकते हैं आप। तो जब इक्वल डिस्टेंस है तो इसको वेज लाइन से शो करेंगे। इन दोनों के रिस्पेक्ट से, इन दोनों के लिहाज से, ये दोनों आपसे अब क्या है बेटा, अवे हैं, तो उन दोनों को डैश लाइन से शो करेंगे। यहां क्या था, एक अवे था एक आउटवर्ड था, दो सेंटर में थे, लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, दो आपकी तरफ है, दो आपसे दूर है, दो आउटवर्ड है दो इनवर्ड है, जो आउटवर्ड है उनको वेज लाइन और जो इनवर्ड है उनको डैश लाइन से शो करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो वेज डैश स्ट्रक्चर है इसको एक फिर नई फिशर प्रोजेक्शन में हम कन्वर्ट करके देखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन, ये जो वेज डैश स्ट्रक्चर हमें बताता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बताता है, कौन सा बॉन्ड किस तरफ है, कौन सा बॉन्ड आउटवर्ड है इनवर्ड है, थ्री डायमेंशनल उसकी अरेंजमेंट को हमें डिस्क्राइब करता है। जबकि फिशर प्रोजेक्शन है, ये स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल में ही लिखा जाएगा लेकिन वो डिस्क्राइब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कर रहा होगा। कैसे? अब जो इसने कहा फिशर प्रोजेक्शन में, ये कहा गया कि जो आउटवर्ड बॉन्ड है, वेज बॉन्ड है, उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जगह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, OH अपनी जगह पे, H अपनी जगह पे है। अच्छा, जो बैकवर्ड है, डैश लाइन स्ट्रक्चर है, जो इनसाइड द बॉन्ड है, उनको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, बस इतनी सी बात। अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ना कोई वेज है ना डैश है, लेकिन ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का, लेकिन इसको देख के आप बता सकते हैं कैसे कि OH और ये H आउटवर्ड है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप और मिथाइल इनवर्ड है। यानी इस फॉर्म में कोई भी स्ट्रक्चर है, बस अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको देख के बता सकते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन आउटवर्ड है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, और ये वर्टिकल जो लिखे हैं, आयोडीन भी पीछे की तरफ है और क्लोरीन भी पीछे की तरफ है या इनसाइड द बोर्ड है। इस तरह इसको बताएंगे, ये दोनों आउटवर्ड है ये दोनों इनवर्ड है, ये दोनों आउटवर्ड है ये दोनों इनवर्ड है। इसका मतलब है आपके सामने फिशर प्रोजेक्शन का कोई भी स्ट्रक्चर लिखा हो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें आप समझ लेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉन्ड्स लिखे हुए हैं ये आउटवर्ड है वेज्ड है, जबकि जो इनसाइड द बोर्ड है वो वर्टिकल वाले हैं, वो जो है डॉटेड लाइन वाले हैं। इसका मतलब है इसको मैं कहूं दोबारा वेज डैश लाइन में जाएं, इसको दोबारा लेके जाएं, तो आप लेके जा सकते हैं, इसको वेज से शो कर दो, इसको डैश से शो कर दो, बस इतनी सी बात है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ कर लिया, फिर वही बात, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो होगा, अगर ये लिवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, होंगे दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव, और दोनों के ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपरइम्पोजिबल है, पेयर ऑफ एनेंटियोमर भी फॉर्म करेंगे, और सेम ये भी पेयर ऑफ एनेंटियोमर फॉर्म करेंगे। और अगर इसके 50% है और इसका भी 50% है, तो ये 50% क्लॉकवाइज 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट रोटेशन क्या आएगी, जीरो, प्लेन पोलराइज लाइट सीधी आ जाएगी, एनालाइजर से जब आप देखेंगे आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि इस स्ट्रक्चर को तो आपने इस फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर लिया है, आप इस स्ट्रक्चर को भी फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये भी डैश वेज डैश का एक फॉर्म है, ये वेज डैश की दूसरी फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीका क्या क्या है बेटा, आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लगाएं। अब आपने हॉरिजॉन्टल में वो बॉन्ड लगाने हैं इस स्ट्रक्चर को देख के, कैसे, इधर कौन सा लगाना है इधर कौन सा लगाना है, जो डैश वाला स्ट्रक्चर बॉन्ड होगा, डैश वाला जैसे हाइड्रोजन है, उसको आपने राइट साइड पे ऐसे लगा देना है, और जो वेज वाला होगा हमेशा उसको उसके बिल्कुल सामने लगा देना है ब्रोमीन, और ये आयोडीन आयोडीन ऊपर के ऊपर, ये क्लोरीन जो इस तरफ है उसको आपने नीचे लग देना है। यानी कि क्या बात समझ आई, कि अगर दो वेज और दो डैश वाला स्ट्रक्चर है वेज डैश, तो उसमें जो वेज वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डैश वाले वर्टिकल, ये तो आसान है। लेकिन इस फॉर्म को मैं कहता हूं फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें, तो उसका तरीकाकार कैसे याद रखेंगे, जो डैश वाला है वो राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल, और वेज वाले को उसके बिल्कुल सामने, और जो सॉलिड लाइन वाले हैं एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, इसको ऐसे समझे। अब मैं कहता हूं इसको ड्रॉ करके दिखाएं, तो कैसे करेंगे आप, ये दो लाइन लगा लिया आपने, अब राइट इधर से शुरू करना है आपने, लेफ्ट साइड राइट साइड पे कौन सा लिखेंगे, मैंने बताया क्या, जो डैश वाला होगा एक ही बॉन्ड डैश वाला होगा इस टाइप में, इसमें दो डैश वाले हैं ना, वो वर्टिकल आ जाएंगे, जब इसमें एक डैश वाला हो तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब उसका जो वेज है उसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, क्योंकि OH पीछे की तरफ और ये बाहर की तरफ, ये पीछे की तरफ और ये बाहर की तरफ, तो जो पीछे वाला राइट और सामने वाला हाइड्रोजन सामने आ जाएगा, और मिथाइल ऊपर का ऊपर जैसे है
और कार्बोक्सी ग्रुप इधर नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जो है ब्रोमीन नीचे आया था। तो इसके बाद बेटा आपको बात समझ आ गई कि दो वेज दो डैश वाला स्ट्रक्चर हो तो उसमें बहुत आसान है कि वेज वाले ओरिजेंटल और वर्टिकल डैश वाले आ जाएंगे, लेकिन एक वेज और एक डैश वाला स्ट्रक्चर हो तो कैसे याद रखना है, हॉरिजेंटल लाइन लगा के एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। हॉरिजेंटल लाइन के राइट साइड पे डैश वाला आएगा और उसके सामने वेज वाला, और सॉलिड लाइन वाले ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे। बड़ा क्लियर है बात? तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और एक स्ट्रक्चर लिवो भी हो सकता है, तो उसको मार्केट में उस कंपाउंड के नाम की उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेल परचेज और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉट करने के लिए हम रेफरेंस बनाते हैं, और उसको हम बेटर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डीएल कन्वेंशन, एक हमने पढ़ा डी और एक होता है एल। ये डी और एल क्या है? डेक्स्ट्रो लिवो के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल डी कैपिटल एल, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, ठीक है? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर जो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ठीक है? और दुआ में याद रखें। अल्लाह।